इटावा जनपद के जसवंत नगर के गांव दरबार में एक गांव में बीती रात चोर छत के जरिए घर में दाखिल हो गए और वह जेवरात व नकदी सहित लगभग 1,00,000 से ज्यादा का सामान चुरा कर रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें, उक्त गांव निवासी दिनेश कुमार पुत्र राजा राम ने बताया है कि वह परिवार सहित घर के आंगन में कूलर लगाकर सो रहे थे। रात के करीब 1 से 3 बजे के बीच में अज्ञात चोर छत के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुए। कूलर की आवाज के कारण आंगन में सो रहे परिजनों को इसकी भनक नहीं लगी। इस अवसर का लाभ लेते हुए चोरों ने एक बक्सा का ताला तोड़ और अलमारी को खोलकर उसमें रखे 1 सोने का मंगलसूत्र, 2 सोने की अंगूठी, 41 चांदी के सिक्के, लगभग 11,000 की नकदी, 1 मोबाइल फोन, कुछ कपड़े आदि कुल लगभग 1,25,000 का सामान चुरा कर ले गए। कुछ कपड़े और टूटा हुआ बक्सा गांव के बाहर एक बाग में मिला है। गृह स्वामी ने दरबार स्थित पुलिस चौकी और थाने को चोरी की सूचना दी है। गाँव का नाम दरबार। आपने कितने बजे जाना? हमने जाना 3:30। मेरी आँख खुली तब मुझे पता लगा दरवाज़ा खुला मिला, तब मुझे पता लगा। थाने में गए थे आप? चौकी में दरोगा जी से भी बात की थी, दरोगा जी आए थे, थाने गए थे। सुनवाई हुई?